Welcome dear learners, in this session we will understand wet corrosion or electrochemical corrosion. Dear learners, corrosion क्या है, कितने types का होता है, corrosion के cause क्या है, corrosion के effects क्या होंगे और units क्या होंगी, ये हम अपनी previous lectures में समझ चुके हैं जिनका link भी description box में available है. तो आज हम समझते हैं वेट कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम में मिलता है. वेलकम डियर लर्नर्स, आई डॉक्टर अंजलि सक्सेना वेलकम यू ऑल. डियर ऑल, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कोरोजन टू टाइप्स का हो सकता है, या तो वो ड्राई कोरोजन होगा या वो वेट कोरोजन होगा. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेट कोरोजन. जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आता है, जब कभी भी कोई भी कोरोजन किसी मॉइस्ट या वेट कंडीशन में होता है उसको हम वेट कोरोजन बोलते हैं. सो वी कैन डिफाइन व्हेन कोरोजन अकर्स अंडर वेट और मॉइस्ट कंडीशन, इट इज नोन एज वेट कोरोजन. अब वेट कोरोजन की क्या कंडीशन होगी? फर्स्टली एक कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए, यानी कि हम समझने जा रहे हैं कोरोजन कब होगा. नंबर वन पॉइंट, जब तक मेटल किसी कंडक्टिंग लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं होगी तब तक कोरोजन या वेट कोरोजन नहीं होगा. सेकेंडली, जो हमारी मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए जिस भी सॉल्यूशन में वो डिप है. सो सेकेंड कंडीशन इज दैट व्हेन मेटल्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टिविटीज आर इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्यूशन, तब तक हमारा वेट कोरोजन नहीं होगा. इसके एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ वेट कोरोजन. तो आज हम रस्टिंग ऑफ आयरन की मैकेनिज्म समझने वाले हैं वेट कोरोजन के थ्रू. वेट कोरोजन के लिए को हमने इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहा है. अब इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के लिए हमें समझना होगा कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाती है, तो कंडीशंस हैं कुछ. जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तब तक वेट कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन नहीं होगा. तो देखते हैं क्या कंडीशन है वेट कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के लिए. नंबर वन, हमारी जो मेटल होनी चाहिए वो हेट्रोजीनस इन नेचर होनी चाहिए. हेट्रोजीनस इन नेचर मतलब टू डिफरेंट एरियाज होने चाहिए, दो डिफरेंट तरीके की मेटल प्रेजेंट होनी चाहिए वी कैन से. जब तक हमारे मेटल में दो सेपरेट एरियाज नहीं बनेंगे तब तक कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप नहीं होगी. सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर शुड बी सेपरेट एनोडिक एंड कैथोडिक एरियाज. दो डिफरेंट एरिया बन जाएंगे जिनमें से एक एनोड का काम करेगा और एक कैथोड का काम करेगा. सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये जो एनोडिक और कैथोडिक एरिया बन रहे हैं इनका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए, तभी कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने के बाद ही कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगी. नंबर थर्ड पॉइंट, जब तक इनका जो एनोड और कैथोड है उनके बीच में एक मेटल पाथ नहीं होगा जो उनको कनेक्ट करे तब तक कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरी नहीं होगी. तो एक एनोड होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए और एनोड और कैथोड को कनेक्ट करती हुई मेटल होना चाहिए जो पाथ प्रोवाइड करे. अगर फोर्थ कंडीशन की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम वेट कोरोजन पढ़ने जा रहे हैं तो कंडक्टिंग लिक्विड होना चाहिए दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में. तो देयर आर फोर कंडीशंस, जब तक ये फुलफिल नहीं होंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बनेगी. और जो वेट कोरोजन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के डेवलप होने के कारण ही होता है, जिसकी वजह से हम वेट कोरोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के नाम से भी जानते हैं. तो इस तरीके से हमने देखा कि जब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो एक कोरोजन सेल डेवलप हो जाएगी और कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा. अब जब सेल डेवलप हुई है तो दो तरीके की रिएक्शन होंगी, एक एनोडिक रिएक्शन होंगी और एक कैथोडिक रिएक्शन होंगी. तो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन. तो हमारी मेटल है, दो डिफरेंट एरियाज बन चुके हैं, एक एनोड का काम कर रहा है, एक कैथोड का काम कर रहा है. एनोड पर एनोडिक रिएक्शन होंगी, कैथोड पर कैथोडिक रिएक्शन होंगी. अब ये एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन क्या होंगी, आइए समझते हैं एनोडिक रिएक्शंस. जैसा कि हम जानते हैं किसी भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जो भी हमारी मेटल होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करके उसका ऑक्सीडेशन होगा. यहाँ पर जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है रस्टिंग ऑफ आयरन. तो अगर हम आयरन की रस्टिंग की बात करें तो जो हमारी मेटल होगी, या सिंपल अगर हम बात करें तो जो हमारी मेटल होगी वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और Mn प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी. तो हम देख सकते हैं जो मेटल जो है वो हमारी एनोड का काम कर रही है
और मेटल अपने आयनिक फॉर्म में आनी शुरू हो गई है, तो मेटल सॉल्यूशन में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मेटल का डिस्ट्रक्शन होगा। मेटल हमेशा एनोड का काम करेगी और एनोड का ही डिस्ट्रक्शन होता है। अगर बात करें कैथोडिक रिएक्शंस की, तो कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी, इट डिपेंड्स हमारा एनवायरमेंट क्या है, किस एनवायरमेंट में रिएक्शन हो रही है। एनोड से जो भी इलेक्ट्रॉन लिबरेट किए जाएंगे कैथोड पर, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे और कैथोडिक प्रोडक्ट बनेगा। मेटल से मेटालिक आयन और कैथोड से नॉन मेटालिक आयन बनेंगे, और इन बिटवीन कहीं एनोडिक एरिया एंड कैथोडिक एरिया एक कोरोसिव प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से तो हमारा बनेगा मेटैलिक आयन, यहाँ से हमें मिलने वाला है नॉन मेटैलिक आयन, और ये मेटैलिक आयन एंड नॉन मेटैलिक आयन कंबाइन होंगे और कोरोसिव प्रोडक्ट बना देंगे। मेटैलिक आयन इज जनरेटिंग फ्रॉम एनोड, वेल नॉन मेटैलिक आयन इज जनरेटिंग फ्रॉम कैथोड। सो ये तो फिक्स है कि हमारा जो एनोड होने वाली है वो मेटल होने वाली है, लेकिन कैथोड कौन बनेगा, इट विल डिपेंड ऑन एनवायरमेंट। तो डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट दो तरीके की कैथोडिक रिएक्शन हो सकती है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। अगर एनवायरमेंट एसिडिक है तो जो कोरोजन होगा वो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, जबकि अगर मीडियम न्यूट्रल या एल्कलाइन है तो जो कोरोजन होगा या कैथोडिक रिएक्शन होगी वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप कोरोजन होगा। इन एनवायरमेंट पर डिपेंड करते हुए ही हम दो टाइप का कोरोजन बता सकते हैं, या तो कोरोजन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप होगा या एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप होगा। सबसे पहले समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन। जब कभी भी एनवायरमेंट एसिडिक होगा तब इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन होता है। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जब कभी भी एनोडिक एरियाज बड़े होंगे और कैथोडिक एरियाज छोटे होंगे तो इवोल्यूशन टाइप ऑफ कोरोजन होता है। ऑक्सीजन एबसेंट होती है जनरली इस केस में। फाइनली जो अपनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही कि जब तक मीडियम एसिडिक नहीं होगा इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन नहीं होगा। यहाँ हम एक जनरल एग्जांपल की बात कर रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करें तो एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन होगी देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन में हमारी जो मेटल है वो आयरन है, और जो मेटल होगी वो एनोड का वर्क करेगी, जबकि कैथोड की रिएक्शन डिपेंड करेगी एसिडिक मीडियम पर। जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो एनोड पर लिबरेट किए जा रहे हैं, और ये H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ इस रिएक्शन की तरह। तो हम देख सकते हैं जो भी हमारी मेटल है वो आयोनिक फॉर्म में आ रही है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो इस तरीके से जो भी हमारी मेटल है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, इस मैकेनिज्म को हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। सपोज दिस इज अ मेटल, दो डिफरेंट एरियाज बन जाएंगे, एक एनोडिक एरिया होगा और कैथोडिक एरिया होगा, लेकिन हम जानते हैं एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन में एनोडिक एरियाज लार्ज होते हैं देन कैथोडिक एरिया। तो सपोज दिस इज अ स्मॉल एरिया विच इज वर्किंग एज कैथोडिक एरिया, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो ये होगी। यहाँ पर जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ वो रस्टिंग ऑफ आयरन की दे रही हूँ। अगर एक जनरल बात की जाए तो इसको M से रिप्रेजेंट किया जा सकता है आयरन को। तो ये है हमारा कैथोडिक एरिया जो कि स्मॉलर है, कि ये है एनोडिक एरिया। हम देख सकते हैं जो एनोडिक एरियाज हैं वो लार्जर हैं। एनोडिक एरियाज पर अगर हम रिएक्शन देखें कि क्या रिएक्शन होंगी, तो अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की ही बात कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होकर ये Fe प्लस टू में कन्वर्ट होगा इसी तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लिबरेट किए जा रहे हैं, रिएक्शन हो रही है जब हमारा जो मीडियम है वो एसिडिक है। दिस एरिया इज आयरन एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। सो इस तरीके से हमने देखा कि एसिडिक मीडियम में वेट कोरोजन की क्या मैकेनिज्म होगी। आइए समझते हैं क्या मैकेनिज्म होगी वेट कोरोजन की न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में। डियर लर्नर्स, दिस मैकेनिज्म अकर्स When anodic areas are smaller than cathodic areas. साथ ही जब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और एनवायरमेंट न्यूट्रल या एल्कलाइन होगा तब तब जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप कोरोजन होता है। आइए रस्टिंग ऑफ आयरन को समझते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप कोरोजन के थ्रू। डियर लर्नर्स, जैसा कि हम जानते हैं एनोडिक रिएक्शन तो हमेशा ही सेम रहने वाली है, कैथोडिक रिएक्शन बदल जाती है डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंट। तो हमारी दो तरीके की रिएक्शन होंगी, एक तो एनोडिक रिएक्शन होगी, एक कैथोडिक रिएक्शन होगी। क्योंकि हम यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारी आयरन होगी वो एनोड का वर्क करेगी
और टू इलेक्ट्रॉन लिबरेट करकर Fe प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम है, तो इस मीडियम में हमारी जो ऑक्सीजन है वो वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करकर OH- माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं एनोड पर हमारे मेटेलिक आयन Fe प्लस टू कन्वर्ट हो रहे हैं, जबकि कैथोड पर हमारे नॉन मेटेलिक आयन प्रोड्यूस होंगे। तो कैथोड की रिएक्शन कुछ इस तरीके की होगी, ये मेटेलिक आयन और ये नॉन मेटेलिक आयन कंबाइन करके कोरोसिव प्रोडक्ट्स बना लेंगे। ये जो कोरोसिव प्रोडक्ट बनता है इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हमारी ऑक्सीजन किस अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हमारी ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट है या एक्सेस में प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, तो जो रस्ट बनती है वो येलो कलर की बनती है, और उसके लिए जो प्रोडक्ट रेस्पॉन्सिबल है वो है Fe2O3.XH2O। वहीं अगर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है तो जो रस्ट बनती है वो ब्लैक इन कलर होती है। सो जिस तरीके से हमने डायग्राम देखा था इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन के लिए, उसी टाइप से हम यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप कोरोजन के लिए, जहाँ पर एनोडिक एरिया छोटा होगा और कैथोडिक एरिया बड़ा होगा। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है। सपोज दिस इज अ मेटल, ये मेटल है, ये एक्वस और न्यूट्रल सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइट है। जैसा कि हम जानते हैं इस टाइप के कोरोजन में जो एनोडिक एरिया होंगे वो स्मॉल होंगे। सो दिस इज एनोडिक एरिया, यहाँ पर एनोड की रिएक्शन होगी, और क्योंकि हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ रहे हैं तो एनोड की रिएक्शन कुछ इस तरीके की होगी। जबकि कैथोडिक एरियाज पर जो रिएक्शन होगी वो हम अभी देखा हमने, हमारी जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी वाटर की प्रेजेंस में और OH- आयन लिबरेट करेगी। दिस इज ऑल्सो कैथोडिक एरिया, ये रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है ये ऑक्साइड फिल्म बन जाएगी, कितनी ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम हो रही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट किए जाएंगे, यहाँ एक्सेप्ट किए जाएंगे कैथोड पर। तो इस तरीके से हमने समझा कि मैकेनिज्म क्या होगी वेट कोरोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम। इस तरीके से आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन समझा कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कोरोजन क्या है। हम जानते हैं जब कभी भी कोई भी कोरोजन किसी वेट या मॉइस्ट कंडीशन में होगा तो उसको हम वेट कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाती है। तो कुछ कंडीशन देखी हमने कि कब वेट कोरोजन होगा, जब तक कोई कंडक्टिंग हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक कोई हमारा रिएक्टिविटी मेटल्स की डिफरेंट नहीं होगी जिस सॉल्यूशन में वो डिप हो रही हैं। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब बनेगी, उसकी क्या कंडीशन है। तो हमने देखा कि जब कभी भी हमारे दो सेपरेट एरिया बन जाएंगे, यानी कि एक एनोड एक कैथोड बन जाएगा, उनमें एक पोटेंशियल होगा, उनका एक कनेक्टिंग पाथ होगा, और जब तक कोई एक कंडक्टिंग मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तब तक एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बनेगी। जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगी वहाँ एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन स्टार्ट होंगी। एनोड पर इलेक्ट्रॉन लिबरेट किए जाएंगे और हमारी मेटल अपने मेटेलिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे कैथोड पर और नॉन मेटेलिक आयन प्रोड्यूस होगा। ये मेटेलिक आयन और नॉन मेटेलिक आयन आपस में कंबाइन करके कोरोसिव प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी, इट विल डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट। तो अगर एनवायरमेंट एसिडिक है तो जो कोरोजन होगा वो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन होगा, जबकि अगर मीडियम हमारा न्यूट्रल या एल्कलाइन है तो जो कोरोजन होगा वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन कोरोजन होगा। कैथोडिक रिएक्शन पे डिपेंड करते हुए टू टाइप के कोरोजन बना दिए हैं। तो एक तो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन, जब मीडियम हमारा एसिडिक होगा एनोडिक एरियाज बड़े होंगे और कैथोडिक एरियाज छोटे होंगे। तो यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन को हमने समझाते हुए मैकेनिज्म को समझाया है और एक डायग्राम के थ्रू उसको प्रेजेंट भी किया है। इसी तरीके से यहाँ पर समझाया है कि जब कभी भी एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप कोरोजन होगा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और मेटेलिक आयन और नॉन मेटेलिक आयन कंबाइन होकर कोरोसिव प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ हमने देखा कोरोसिव प्रोडक्ट जो था वो डिपेंड इस बात पर भी कर रहा है कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम रस्ट का कलर देखकर ये भी बता सकते हैं कि ऑक्सीजन की अमाउंट कैसी है या अवेलेबिलिटी कैसी है उस मेटल के सराउंडिंग में। यहाँ भी हमने एक डायग्राम के थ्रू इसको समझा। डियर लर्नर्स, यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि स्पेशली इन दैट केस जो हमारा ऑक्सीजन टाइप कोरोजन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप कोरोजन, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एनोड से Fe प्लस टू आयन लिबरेट हो रहे हैं और कैथोड पर टू OH- आयन लिबरेट हो रहे हैं। तो
तो एनोड से Fe प्लस टू मूव करेंगे, जबकि कैथोड से 2OH माइनस मूव करेंगे। जो Fe प्लस टू है ये रैपिडली डिफ्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू 2OH माइनस या OH माइनस। तो क्या होगा, जो हमारा कोरोजिव प्रोडक्ट बनता है दैट फॉर्म टुवर्ड्स कैथोडिक एरिया। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि एनोड से कोरोजन स्टार्ट हुआ इस कंडीशन में और जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो टुवर्ड्स कैथोडिक एरिया मिल रहा है। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।